स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.3 और 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहां पे मौजूद है। इसके अंदर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास यहां पे जो रूट के अंदर रूट में जो वैल्यू है, तो सबसे पहले हमें y की वैल्यू निकालने के लिए रूट को कैंसिल आउट करेंगे। तो रूट को खत्म करने के लिए हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमने यहां पर भी स्क्वायरिंग ली और यहां पर भी हमने क्या करा, स्क्वायरिंग ली। इस स्क्वायर से ये रूट आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचा, 25 है माइनस का 6। अब ये जो आपके पास स्क्वायर है, ये 4 के साथ भी है और ये स्क्वायर इस पूरी रूट की वैल्यू के साथ भी है। तो अब हमने जब 4 का स्क्वायर किया तो आपके पास 16 आ गया और ये स्क्वायर इस पूरी वैल्यू के साथ भी आ गया। अब इस स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो 16 है, ये इस पूरी टर्म से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 16 16 16 48। अब यहां पर आपके पास 16y जो है वो पॉजिटिव है, यहां पर आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब y की वैल्यू को हम एक साथ कर लेंगे और माइनस का 6 यहां पर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो 48 प्लस 6 कितने हो गए, 54। 25 में से हमने 9 को माइनस 16 को माइनस किया तो कितना बचा आपके पास, 9। अब ये 5 के साथ 9 मल्टीप्लाई होगा, जब इसी को सब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। 9 का 9, 9 6 का 54 और 54 आपका क्या हो, 6 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर को आपने सॉल्यूशन सेट के अंदर आपने लिखना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर सवाल में वेरिफिकेशन मौजूद हो या नहीं हो, पेपर में हमने वेरिफिकेशन जरूर करनी है। वेरिफिकेशन इस तरीके से करेंगे, जो क्वेश्चन आपके पास मौजूद है उसमें आप y की जो वैल्यू है जो आपके पास यहां पर आएगी उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये 25 आ गया आपके पास, y की जगह 6 माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट, y की जगह 6 आ गया और ये प्लस का 3। 25 6 9 150 माइनस का 6 आया 4 6 में 3 प्लस का कितना हो गया 9 150 में 6 प्लस का माइनस किया कितना हो गया 144 9 का रूट क्या होता है 3 4 3 12 और 144 का रूट क्या होता है 12 तो लेफ्ट हैंड साइड जो होगा तो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। इसी तरीके से आपने इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास मौजूद है, -6 प्लस मॉडुलस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अगर आपके पास मॉडुलस के बाहर कोई वैल्यू मौजूद है तो सबसे पहले उसको इज इक्वल टू के हम इधर लेकर आएंगे। तो माइनस का 6 आपके पास यहां मौजूद है, तो माइनस का 6 जब आप इज इक्वल टू के इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। 9 जब मैं 6 को प्लस कर कितना हो गया, 9। 3 में 6 प्लस करें तो कितना होगा आपके पास, 9। अब आपने यहां पे क्या करना है, 5x माइनस का 3 इज इक्वल टू 9 आपके पास मौजूद है। अब आप यहां पे क्या करोगे, मॉडुलस की साइन हटाओगे। जब आप मॉडुलस की साइन हटाओगे यहां पर तो आपके पास यहां पे कौन सी साइन आएगी, प्लस और माइनस। बाय डेफिनेशन ऑफ 1 आप यहां पे 9 जो है वो पहले क्या लिखोगे, पॉजिटिव के अंदर, फिर आप 9 इसको लिखोगे नेगेटिव के अंदर। तो माइनस का 3 यहां पर आके आपके पास क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया। 9 में 3 आपने प्लस करें तो कितना हो गया, 12। यहां 5 मल्टीप्लाई हो गया तो यहां की क्या हो गया, डिवाइड। आपने x की एक वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप यहां पर माइनस का 3 है वही काम करेंगे जो हमने यहां किया, माइनस का 3 यहां पर क्या हो गया, प्लस का 3। 9 में से 3 को हमने माइनस किया तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 6, क्योंकि बड़ी वैल्यू की साइन आपके पास माइनस की है। 5 मल्टीप्लाई यहां की क्या हो गया, डिवाइड। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट के दो आंसर आ गए, x के एक आपके पास क्या है, 12.5 और एक आपके पास क्या होगा, माइनस का 6/5। इसी तरीके से आपने तमाम क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है।